नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। डिंडोरी जनजाति कल्याण केंद्र महाकौशल बरगा में हजारों पीड़ित जनों को स्वास्थ्य लाभ, अनेक दिव्यांग जनों को मिली बैटरी चलित साइकिल, अनेक दिव्यांग को मिले कृत्रिम अंग। जबलपुर पीड़ित मानवता की वास्तविक सेवा के लिए संकल्पित जनजाति कल्याण केंद्र महाकौशल ग्राम बरगांव शाहपुरा जिला डिंडोरी, यहां पर राजकुमार मटाले मार्गदर्शन में केंद्र से जुड़े हुए समर्पित सभी सदस्यों की कड़ी मेहनत से शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार के लिए आदिवासी क्षेत्र के सीधे साधे ग्रामीण जनों एवं सभी जरूरतमंद नागरिकों की जीवन स्तर में सुधार हो, इसके लिए शिक्षा केंद्र, पर्यावरण सुरक्षा, भूमि संरक्षण, भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए अनेक प्रकल्प बहुत बड़े स्तर पर चलाए जाते। प्रतिवर्ष प्रदेश एवं देश के अनेक ख्याति प्राप्त सभी रोगियों के इलाज के लिए निशुल्क चिकित्सा सेवा शिविर आयोजित किया जाता है। 2 अक्टूबर 2024 को बीते 2 महीने से अधिक निशुल्क स्वास्थ्य शिविर की जो तैयारियां की जा रही थी, आज जब हमारे वैश्य महासम्मेलन के जिला अध्यक्ष बीडी सोनी यहां जाकर प्रत्यक्ष अनुभव किया तो कुंभ जैसा वातावरण था। चारों तरफ दूर दूर से आए हुए ग्रामीण जन, जिनको लाने व खान पीन की व्यवस्था भी यहां पर की गई थी, सभी प्रकार के उपचार के लिए मौजूद देखे गए। मध्य प्रदेश शासन की कैबिनेट मंत्री संपत्तिया एवं अनेक विशेष जनों के द्वारा शिविर का भव्य शुभारंभ किया गया। डिंडोरी कलेक्टर हर्ष सिंह एवं उनके सभी प्रशासनिक कर्मचारी, अधिकारियों, मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा पीड़ित जनों की, दिव्यांग जनों की सेवा का महाकुंभ जो देखा गया उसको शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। हजारों दिव्यांग जनों को साइकिल रिक्शा, बैटरी चलित साइकिल रिक्शा निक्षक्त जन कमिश्नर संदीप रचक के मार्गदर्शन में वितरित किए गए। अनेक दिव्यांग जनों को कृत्रिम अंग भी मौके पर भी प्रदान किए गए। हजारों दिव्यांग जन जो प्रमाण पत्रों के लिए परेशान होते थे, मौके पर ही उनकी समस्या का निराकरण किया गया। इस आयोजन में अनेक जनप्रतिनिधियों के साथ सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, सीधी सांसद राजेश मिश्रा, विधायक अशोक रोहाणी, गोटेगांव से सांसद प्रतिनिधि पंकज चौकसिया, सिद्धार्थ गौतम आदि अनेक जनप्रतिनिधि की उपस्थिति देखी गई। डिंडोरी से न्यूज 69 के लिए मनीष मिश्रा की रिपोर्ट। होगी आपकी समस्याओं का निराकरण होगा। आपको जो भी मोटरसाइकिल, ये जो गाड़ी हमारी रिक्शा है, चलित रिक्शा है, ऑटोमेटिक रिक्शा है, ये प्रोवाइड किया जाएगा। व्हील चेयर प्रोवाइड की जाएगी, अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध की जाएगी और साथ ही स्वास्थ्य शिविर में जो लोग आए हुए हैं वो पूरा लाभ लेकर के जाए। भोजन की व्यवस्था भी है। पुनः एक बार केंद्र के सभी परिवार जनों को और मैं भाई, इस खबर पर आपकी क्या है राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।